आज का टॉपिक है साइनस ब्रैडिकार्डिया। साइनस ब्रैडिकार्डिया, साइनस मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ ईसीजी ग्राफ में पी वेव मौजूद है। पी वेव ये इंडिकेट्स करता है कि ये साइनस रिदम है, जो एट्रियल डिपोलराइजेशन हो रहा है वो एस ए नोट से हो रहा है। अब ब्रैडिकार्डिया मैं कह रहा हूँ कि ब्रैडिकार्डिया स्लो हार्ट बीटिंग को कहते हैं। ब्रैडिकार्डिया ब्रैडी एरिदीमिया के नाम से भी जाना जाता है, ब्रैकी कार्डिया के नाम से भी जाता है। जैसा कि हम लोग को पता है कि हमारा जो रेस्टिंग नॉर्मल हार्ट रेट है वो 6200 बीट्स पर मिनट है, लेकिन जब हमारा रेस्टिंग नॉर्मल हार्ट रेट 60 से ड्रॉप कर जाएगा तो उस कंडीशन को हम कहते हैं ब्रैडी कार्डिया। दरअसल ब्रैडी कार्डिया वो ये एक जो ग्रीक वर्ड है, और ये दो वर्ड से मिलकर बना है, ब्रैडी और कार्डिया। ब्रैडी मतलब स्लो, कार्डिया मतलब हार्ट, मतलब स्लो हार्ट बीटिंग को ब्रैडी कार्डिया कहेंगे। जैसा कि आप ग्राफ में देख रहे हैं 59 हार्ट रेट है और पी वेव नॉर्मल है, पी वेव 93 मिली सेकेंड है, पी आर इंटरवल भी नॉर्मल है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स भी सही है, ना नैरो है ना वाइड है, और बाकी चीज़ें भी विद इन नॉर्मल लिमिट्स हैं। तो जब हार्ट रेट, मैं कह रहा था कि जब हार्ट रेट 60 से ड्रॉप करेगा तो उसको ब्रैडिकार्डिया कहेंगे, अगर पी वेव रहेगा तो साइनस ब्रैडिकार्डिया कहेंगे। दूसरी तरफ कि आमतौर पे जो साइनस ब्रैडिकार्डिया है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है, ठीक, लेकिन जब हार्ट रेट जो है वो 50 से ड्रॉप कर जाएगा, 50 बीट मिनट से, तो कैन कॉज मैनी सिम्टम्स, जैसे आपका है फैटिग मतलब थकावट, वीकनेस कमज़ोरी, डिजीनेस मतलब नींद टाइप का है ना, झुकनी टाइप का आना, स्वीटिंग मतलब पसीना निकलना, हाइपर हाइड्रोसिस भी कहते हैं, फेंटिंग मतलब चक्कर आना, वर्टिगो टाइप का, या बेहोशी भी, तारी हो जाना, बेहोशी हो सकता है। तो हार्ट या ऑटोमेटिकली मशीन ने, ईसीजी मशीन ने 59 दिया है इसका हार्ट रेट। अब हम देखते हैं कि अब मैनुअली देखते हैं कि क्या मामला है। तो ये आर वेव है, देखिए मैं अपने से वीडियो बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए पहले ही सारी चीज़ें लिख ली हैं, तो खुद से वीडियो मोबाइल पकड़ा हुआ है। ये आर है और ये आर है, तो दो आर वेव के बीच की दूरी को आर आर इंटरवल बोलते हैं ना, आर आर इंटरवल बोलते हैं। तो अब आप देखें यहाँ पे कि यहाँ पे एक बॉक्स है, दो बॉक्स है, तीन चार पांच बॉक्स है, पांच बॉक्स से थोड़ा सा एक स्मॉल बॉक्स इधर है, एक स्मॉल बॉक्स इधर है, मतलब पांच बॉक्स से थोड़ा ज़्यादा ही है, ठीक है। तो हम लोग 300 मेथड इस्तेमाल करेंगे। पहले भी हम लोग ने साइनस टैकीकार्डिया में 300 मेथड जो है यूज़ किया था हार्ट रेट निकालने के लिए मैनुअल तरीके से। तो इसमें जैसा कि यहाँ पांच लार्ज बॉक्स हैं आर एल इंटरवल के बीच में, तो 300/5 लार्ज बॉक्स तो 60 बीपीएम आएगा, लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली दिखाया गया है यहाँ पे। दरअसल यहाँ पे एक छोटा सा स्मॉल बॉक्स भी है और यहाँ भी छोटा सा स्मॉल बॉक्स है। तो जो ऑटोमेटिकली जो मशीन ने दिया है 59 एकदम बिल्कुल सही दिया है ना, यहाँ मैनुअली 60 आ रहा है, लेकिन ये अप्रोक्स है, एक्यूरेट नहीं है। तो इस तरह से हम मैनुअली आप निकाल सकते हैं 300 मीटर से 300 अपॉन टोटल नंबर ऑफ लार्ज बॉक्स जितना आएगा वो हार्ट बीट हो जाएगा हमारा, है ना, बीट पर मिनट हो जाएगा। यही तरीका है। थैंक यू।